हेलो एवरीवन, जय बुद्ध। तो गाइस, आज मैं फिर से लेकर चली आई हूँ कुछ मेमेस। तो क्या मैं फिर से मेमेस को देखने वाली हूँ और उसके ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। ओके, तो चलो आप भी मेरे साथ मेमेस को देखना और हंसना, और मैं भी हंसूंगी उसके ऊपर रिएक्ट करूंगी। तो चलो, तो रुको जरा, सबर करो। वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, जो कि मैं बोलना भूल जा रही थी। ओके, तो चलो और कुछ बात के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जरूर, आप लोग भूल जाते हो। तो अभी चलो यार, एट लास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ वेपन्स फॉर मदर, क्लोज रेंज, बेलन, चाकी जो बोलते हैं, एकदम ठीक है, इससे मारते हैं हम लोगों को, हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, फ्रॉम डिस्टेंस, फ्रॉम ए डिस्टेंस, अच्छा हाँ, कुछ दूरी के बात करो तो ये चीज़ें ही यूज होती है। इस चीज़ को यार ऐसे ऐसे मारते हैं। और नेक्स्ट वायलेंस, अरे यार ये तो एकदम सही कहा है, वायलेंस ऐसे छोड़ता है और हमारे ऊपर एकदम टिप करके हमारे ऊपर ही लग जाता। अच्छा तो नेक्स्ट देखते हैं। मी वाइल टिकिंग ऑलमोस्ट एवरी एनसिक्योरिटी नेक्स्ट, जय माता दी, क्या हुआ समझ नहीं आया मुझे। ओ अच्छा, जय माता दी बोल के टिक दे जाता है। अरे यार सच्ची बात बोलूँ तो यार मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे, मैं जो भी एनसिक्योर जाता है, मेरा जाना पहचान नहीं होता है, तो मेरे साथ जैसे जय माता दी बोल के कभी टिक देना मुझे तो नहीं पड़ा है। ओके, तो क्या बताऊँ, मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, बहुत सुंदर हवा दे रही है, आप देख पा रहे हो ना, इतनी गर्मी के बाद, इतने दिनों के बाद इतना सुंदर जब हवा देते हैं तब कितना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। अच्छा, पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर, अच्छा पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, हाँ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर, हाँ न्यूज पेपर, फ्यूचर इज ए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर, अच्छा क्वेश्चन पेपर जब बोल रहे हो तो शायद क्वेश्चन पेपर ही है। सो रीड एंड राइट केयरफुल, सो रीड एंड राइट केयरफुल, अदरवाइज लाइफ विल बी ए टिश्यू पेपर। अच्छा, सो रीड एंड राइट केयरफुली, क्वेश्चन पेपर हो, न्यूज पेपर हो, यार जो भी हो यार, रीड एंड राइट केयरफुली, नहीं तो आपका लाइफ टिश्यू पेपर हो जाएगी, क्योंकि टिश्यू पेपर को यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं तो आपका फ्यूचर एकदम बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसा ही बोलना चाहा है इसमें। क्या बताऊँ यार। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन यू फिनिश योर 3 आवर्स एग्जाम इन 15 मिनट्स, ये कैसा बात हुई। आई डोंट नो कौन यार 3 आवर्स के एग्जाम 15 मिनट्स में ख़त्म कर देता है, कौन कर देता है यार। अगर कोई है मेरा वीडियो देख रहा है ऐसा, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इतना टैलेंटेड कौन है कि 15 मिनट में ख़त्म कर देता है। आई डोंट नो यार, मुझे तो ऐसा नहीं होता है, मुझे, मेरा तो यार 3 आवर्स होके यार होके चला जाता है यार, फिर भी मेरा क्या बताऊँ यार, फिर भी मेरा लिखना यार ख़त्म नहीं होता है यार, कि कंप्लीट कर देती हूँ बट फिर भी यार लिख ही जाती हूँ। लास्ट टाइम यार हैंड यार ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है ना, जो अरे यार क्या बताओ, साइड से कोई मुझे पुकारे ना, फिर भी यार उसकी तरह यार मन नहीं देता, मैं लिख ही जाती हूँ, लिख ही जाती हूँ, क्या बताओ यार। वैसे एक्सपीरियंस यार मुझे ना हुआ है ना, मुझे यार एग्जाम देने के लिए डर लग जाता है यार, क्या बताओ यार। अच्छा नेक्स्ट जो है, गर्ल्स इन क्लास, ओके, OMG, I am going to use this to highlight everything. अच्छा, these glitter pens are so cute. अच्छा, boys in class, do you have a pen? I was gonna ask you, bro. Oh my god. यार सच्ची में यार गर्ल्स बहुत है, क्या बताऊँ यार, लड़कियाँ बहुत ही मतलब कि गुच्छाने होते हैं, मतलब कि जो चीज़ करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ, मैं भी हूँ उनमें से, कि जो करती हूँ यार बहुत अच्छे से करती हूँ, हाईलाइट करती थी एकदम अच्छे से करती थी, मुझे पढ़ने में ईजी लग, मतलब कि क्या बताऊँ, जिसका जो मर्जी हो, तो डू यू हैव बॉयज़ यार ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा है मुझसे भी यार, कितना ये लड़का मेरा फ्रेंड्स जो होते हैं यार, कोई यार पेन है तेरे पास, तेरे पास पेंसिल है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, तेरे पास कुछ भी है यार, सब कुछ ही दे दे तेरे पास जो जो है यार, ऐसा ऐसा ही होता है, तो क्या बताऊँ। नेक्स्ट देखते हैं। ATM with highest level of security in the entire, oh my goodness, what is this word, यार ये कहाँ पर है यार,
ये कौन सी जगह है, कौन सा बैंक का एटीएम है यार? स्टेट बैंक है, शायद स्टेट बैंक का लग तो रहा है। ओह माय गॉड यार, इतना सारा डॉग यार किधर रहता है यार? सच्ची में यार, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी यार, एकदम सही बात है यार। जिसने फोटो खींचा है यार उसको नोबेल छोड़कर दो यार, नोबेल ऑस्कर जो भी हो यार छोड़कर दे दो यार। ऐसा पिक खींचने के लिए, ऐसा पिक खींचा था इसलिए मैं देख पा रही हूँ आज, नहीं तो देख भी नहीं पाती थी और आप लोग भी नहीं देख पाते थे। माय गॉड क्या बताऊं यार, सिक्योरिटी लगने के लिए यार पैसे नहीं लगते हैं, काफी अच्छा टेक्निक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। मैगी आई पैक्ड फॉर माय लंच, मैगी एट लंच। ये यार सिर्फ मुझे नहीं यार, सब लोग को मालूम है, आई नो कि सब लोग को मालूम है ये। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो जरूर मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना कि मैगी लंच में यार पूरा स्क्वायर शेप का हो जाता है। जब ले जाती हूँ तब एकदम ठीक ठाक, एकदम ऐसा 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 ऐसा, जब मैं टिफिन पैक जाके खोलती हूँ ना तब एकदम स्क्वायर शेप का हो जाता है। क्या बताऊँ यार, जरूर अगर ऐसा मेरे साथ आपके साथ हुआ है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर देना जरूर। क्या बताऊँ यार, ऐसा अच्छी अच्छी चीजें यार इधर पर दिया है ना, ऐसा नहीं सकते। एंग्री प्रो मैक्स यार एकदम सही है ये, एकदम सही है। जब भी मैं ना एंग्री हो जाती हूँ ना तो ये फेक स्माइली मैं भी दे देती हूँ यार। कुछ फ्रेंड्स है कि समझ नहीं पाते हैं कि मैं गुस्सा हो गई, उस लोग को लगता है कि स्माइल है बट स्माइल नहीं है, ये फेक स्माइल है। कोई बताओ इसे, समझ नहीं पाते कि मैं गुस्सा हो गई हूँ, तब यार इतना गुस्सा हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, मैं इतना गुस्सा हो जाती हूँ। अच्छा मॉम सेड कुकर में एक गिलास चावल और तीन गिलास पानी रखते, और ओ माय गॉड कोई जिसने रखा इसको कुछ शायद कोई अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि चावल पानी ऐसे देना पड़ता है। ओके तो क्या बताऊँ यार, इसका कुछ बताने के लिए जो जो दिया है और उसमें जिसने दिया है ना, क्या बताऊँ यार, बहुत इंटेलिजेंट है यार जिसने इसको रखा हुआ है, बहुत कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझसे क्या आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तब भी तो ऐसा भावनाएं आई है उसके दिमाग में, है ना, मैंने सही कहा है ना। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा छोटा बनाया है मैंने, ज़्यादा लेन देन नहीं किया है, तो आप लोगों से मिलता है ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो आज का इसका भी पार्ट 3 आ सकता है। ओके तो मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, जादू ज़रूर आएगा तो मैं बोल नहीं रही हूँ। ओके तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।